जिंदगी का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता है जब लोग हमें नहीं समझ पाते हैं, जबकि वह होता है जब हम अपने आप को खुद नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर हमें किसी का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त बनना है तो सबसे पहले स्वयं का दोस्त बनना सीखें। मैं हूँ अलका शुक्ला, आप देख रहे हैं सोच थोड़ा हटके। चलिए जिंदगी से आज कुछ नया सीखते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे जीवन की किस सीख के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार का भी साथ होता है, हमारे दोस्त का भी साथ होता है, फिर भी हम खुश नहीं होते हैं, और ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हम उस समय पर अपने मन से खुश नहीं होते हैं। तो मन को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मन को खुश करने के लिए हमें उसको समझना पड़ेगा कि उसे किस चीज की जरूरत है, और उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका दोस्त बनना पड़ेगा, सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है कि हमें अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी, अपने पैसा सभी में खुशी महसूस नहीं होती है, और इसका दोष हम दूसरों को देने लगते हैं। जबकि उस समय पर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति दोषी नहीं है, इसके लिए हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हम अपने मन को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे मन को क्या चाहिए। तो चलिए अपने मन को समझने के लिए कुछ सीखते हैं कि हम अपने मन को कैसे समझ पाए। खुद की तारीफ करें। हम अपनी जिंदगी के इस भागदौड़ पे दूसरों की तारीफ तो करते हैं, लेकिन अपनी खुद की तारीफ कभी नहीं करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए, और अपने छोटी से छोटी अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमें अपने आप की सराहना भी करनी चाहिए। खुद का साथ एंजॉय करना सीखिए। हम मोबाइल में तो बहुत समय व्यतीत करते हैं और अकेले रहते हैं, लेकिन हम अपने साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। इसलिए अपना साथ एंजॉय करना सीखिए, अपने साथ एकांत में समय बिताना सीखिए बिना मोबाइल के, और अकेला और अकेलेपन में अंतर समझिए। खुद को ज्यादा सीरियसली ना ले। जिंदगी में हमेशा हमें छोटी छोटी बातों में हंसना सीखना चाहिए, अपने ऊपर हंसना सीखना चाहिए, अजीबो गरीबो चीजों पे हंसना सीखना चाहिए, जिससे कि हम खुश रहते हैं। ज्यादा जिंदगी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। अपने आप को स्वीकार करना सीखे। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अच्छे हैं। अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकतों को पहचानिए। अपने आप से दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपने कमजोरी और ताकत के साथ अपने आप को स्वीकार करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने विचारों पे काबू करना सीखिए। क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग इतने सारे विचार आते हैं जिसकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे विचार जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, खासकर हमारे नकारात्मक विचारों को जरूर नजरअंदाज करिए। अगर आप खुद का सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे, आप अगर खुद को साथ देने लग जाएंगे, तो आपको बाहरी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने खुद के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं जिंदगी के एक नए सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।